Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए की बर्फी, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद होती है और बहुत मज़े की बनती है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 प्याली हमने खोया लिया है और 1 छोटी प्याली हमने ये चीनी की ली है। चीनी हसब ज़रूरत, आप जितनी आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 हमने इलायची ली है और गार्निश के लिए हमने बादाम जो लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 पैन लेंगे, चूल्हे पर पैन चढ़ा दिया हमने। अब ये जो दूध था हमारे पास, ये दूध हम शामिल कर लेंगे और दूध को हमने अच्छे से पका लेना है। इसको अच्छे से हम पका लेते हैं, बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। दूध को हमने अच्छे से पकाना है। ये 1 लीटर दूध का हमने तकरीबन, हमें इसमें जब रह जाएगा 1.5 पाव सारा दूध रह जाएगा, तब हम इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ना, अर्जुन दूध हमारा पक रहा है। अभी हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि दूध अब उबलना शुरू हो गया। ये देखिए इसके अंदर जो है ना लम्स बन रहे हैं, तो अब हम इसको ना ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा जो है ना वो पैन के नीचे लगे ना। अगर लग जाएगा तो गंदा टेस्ट आएगा इसका, कड़वा हो जाएगा हमारा। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलिए इसको और ज़्यादा पका लेते हैं। ये देखिए ना अभी हमारा दूध 1 लीटर था ना, अभी ये तकरीबन 1/2 किलो रह गया। अभी हमने 4 मिनट तक और इसको पका लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर लम्स जो है आप देख रहे होंगे, ये देखिए। तो 4 से 5 मिनट तक हम और इसको पकाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, दूध हमारा पक चुका है। ये देखिए अभी इसके अंदर हम लोग खोया शामिल कर लेंगे। ये देखिए अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए नाज़रीन, ये दूध और खोया हमारा सही से ये पक चुका है। अभी इसके अंदर हम ये इलायची और चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी हमें जितनी ज़रूरत है, हसब ज़रूरत, मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसमें डाल लें। हमें जितनी ज़रूरत थी हमने इसमें शामिल कर ली है। अभी इसको हम और मज़ीद 3-4 मिनट तक पका लेंगे। ये थोड़ा सा हमने जो है ना बादाम का वो बादाम को पीस लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो जी देखिए नाज़रीन, हमारी बर्फ़ी बन के माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये आपको हल्का हल्का ये दिख रहा है, अभी नरम है, ये जम जाएगी फिर ये जो है ना ये सख्त हो जाएगी। तो हम इतनी ही इसकी इतना ही इसको रखना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे सख्त, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए इसको डिश ऑफ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने डिश ऑफ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने काट के रखे थे बादाम, ये हम लगा लेते हैं। तो जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा हमारा रेसिपी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, 1/2 घंटे बाद आपको निकाल के काट के दिखाते हैं। तो चलिए इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये देखिए फ्रिज में से हमने बर्फ़ी को निकाल लिया है, उसको कट कर लिया है। आप ये देख सकते हैं हमने इसको काट लिया है। इसी तरह हमने इसको काट लेना है और फिर हम चाहें तो इसको काट के जितना हमें खाना है उतना हम निकाल सकते हैं। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।